हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 8th के लिए। और आज हम जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वो है घन तथा घनमूल। इससे पहले हम वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ा चुके हैं, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे वो है घन तथा घनमूल। घन क्या होता है आज विशेषकर उसकी बात करेंगे, और घनमूल के केवल छोटे सवाल सीखेंगे। घनमूल के बड़े बड़े सवाल हमारी आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ही लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके पास ये घंटी बनी हुई है उसे भी दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख कर अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घन क्या होता है। देखिए, जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या की दो बार गुणा। ठीक है, इसी तरह से घन कहते हैं किसी संख्या की तीन बार गुणा, तो उसे कहते हैं हम घन। तो घन के लिए क्या करते हैं, जैसे तीन का घन निकालना है तो 3 × 3 × 3, यानी कि 3 की घात 3 कितना आ जाएगा, 27। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। 7 का घन निकालना है, 7 की घात 3, यानी कि 7 × 7 × 7, 7 की 7 में 49, 49 की 7 में करेंगे 343। माइनस की संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकलते हैं, घनमूल निकल जाते हैं, घन भी निकल जाता है। ठीक है, तो -5 का घन कितना होगा, -5 की घात 3। घन को जैसे वर्ग को 2 घात चढ़ा के लिखते हैं, घन को 3 घात चढ़ा के लिखते हैं। तो घन को -5 की घात 3, -5 × -5 × -5, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। वैसे भी अगर माइनस अगर सम संख्या के बाहर आता है तो प्लस उत्तर आता है, और माइनस अगर विषम संख्या के बाहर आए तो माइनस उत्तर आता है। तो 3 बार आ रहा है मतलब विषम बार आ रहा है, तो उत्तर आएगा माइनस का। 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना जो मैंने बताया है। अगर माइनस माइनस की गुणा सम बार हो रही है, मतलब 100 बार हो रही है, 80 बार हो रही है, या 50 बार हो रही है, 56 बार हो रही है, सम संख्या की तरफ हो रही है, तो उत्तर प्लस में आता है। और अगर माइनस माइनसों की गुणा जो है विषम बार हो रही है, तो उत्तर माइनस में आता है। ठीक है, तो मैंने आपको घन बता दिया, किसी भी संख्या की 3 बार गुणा क्या कहलाती है, घन। अब हम कुछ संख्याओं के घन को ज्ञात करते हैं और फिर हम घनमूल के भी कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन लिख रखे हैं, आप इन्हें कॉपी पर लिख कर याद कर लें। आप वीडियो को यहाँ पॉज करें और कॉपी पर लिख कर याद करें। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6869 और 20 का 8000। 20 तक के, जैसे 30 तक के वर्ग मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, वैसे 20 तक के वर्ग घन भी आप याद कर लें। ठीक है, आगे एक बहुत काम आते हैं। अब हम कुछ संख्याओं के घन निकालेंगे। ठीक है, जो हमारा सवाल, अब हम कुछ संख्याओं के घन ज्ञात करेंगे। जैसे निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। 7 का घन कितना आएगा, 21 का कितना आएगा, 100 का कितना आएगा, 25/81 कितना आएगा, और 2 माइनस की संख्याएं हैं, इनका घन घन कितना आएगा आखिर। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं पहली संख्या का, यानी कि 7 का। तो 7 का घन हम क्या लिखेंगे, 7 की घन मैंने उदाहरण में भी लिखा के दिखा रखा है शुरू में, 7 × 7 × 7 कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343। ठीक है, बी वाला है 21 का घन निकालना है। 20 तक के घन मैंने आपको याद करवाए हैं, पर ये 21 का आ गया है, तो आपको इसे भी याद कर लेना। 21 की 3 बार गुणा करें 21 × 21 × 21, ये आएगा 9261। ठीक है, 3 बार गुणा कर लेना, गुणा करनी आपको आती होंगी। तीसरा है 100 का घन, यानी कि 100 की घात 3, यानी कि 100 × 100 × 100, और इसमें तो गुणा करने की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कितनी जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो आ जाएंगी।
यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। डी है हमारा 25/81 का घन। तो हम क्या करेंगे, 25/81 की घात 3, यानी कि ऊपर वाली का अलग करेंगे, 25/81 गुणा 25/81 गुणा 25/81। अब हम क्या करेंगे, इनकी अलग गुणा कर लेंगे। देखो 25 की पहले 25 में करेंगे तो ये तो याद है 625 आएगा, दो बार में तो आ गया 625। अब उसमें 25 की और कर लो, 25 का पहाड़ा याद हो तो 25 5 125, हासिल का 12, 25 2 50 और 12 62, हासिल का 6 और 25 6 150 और 6 156, तो अंश में तो आ गया 156। अब 81 की 81 में करो पहले, 81 8 64 इतना आया, 6 5 6 1। अब इसमें 1 81 की और करनी क्योंकि अभी तो 2 की हुई है, घन निकालना है, वर्ग आ गया मतलब 81 का इतना, 1 6 5 6, 8 8 6 48, हासिल का 4, 8 5 40 और 4 44 और 52, 1 4 हासिल 1 4 1 11, 1 3 5, 5,31,441। ठीक है, काफ़ी बड़ा घन निकल के आ गया, पर मैंने आपको बड़ी संख्या का बताया है कि बड़ी संख्या का घन हम गुणा करके ज्ञात कैसे करते हैं। अगला है डी वाला, ई वाला, माइनस के 5/9 की घात, 9 का घन निकालना, माइनस के 5/9 का घन। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस के 5/9 की घात लिख देंगे हम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी 3 बार कर देंगे गुणा, माइनस के 5/9 गुणा माइनस के 5/9 गुणा माइनस के 5/9। अब मैंने आपको बताया माइनस के विषम बार आ रहा है, 1 2 3 बार, तो उत्तर जो आएगा माइनस में आएगा, 5 5 25 25 5 125, और नीचे 9 9 81 और 81 में 9 की और कर लेना, 729 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर एफ लास्ट है और ये आपका होमवर्क है, इसका घन आप खुद निकाल के देखना क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको घन निकालना सिखा दिया, माइनस की संख्याओं का भी, परिमेय संख्याओं का भी और सादा संख्याओं का भी जो धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, तो घन निकालना आप सीख गए हैं, अब हम सीखते हैं घनमूल निकालना, और आज हम केवल घनमूल के छोटे सवाल करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े घनमूल वो हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं फिर याद दिला देता हूँ। तो अब आप बात करते हैं घनमूल की। देखिए घनमूल का ये होता है निशान, अगर यहाँ पे दो ये नहीं लिखेंगे तो ये निशान है वर्गमूल का। ठीक है, और अगर 3 लिख दिया तो ये बन गया घनमूल। और वर्गमूल जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था यहाँ पर अगर कुछ ना हो तो 2 माना जाता है, तो घनमूल का हमें लगाने के लिए 3 यहाँ पर लिखना ही पड़ता है। तो 4 संख्याएँ हमें, इन चारों का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो ठीक है, इसे शुरू करते हैं, पहले हम निकालेंगे 64 का, ये वर्गमूल की तरह ही है। और मैं घनमूल निकालने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, वर्गमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, पर घनमूल निकालने की केवल एक ही विधि है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, और इसमें घनमूल निकालने की कोई सी विधि नहीं होती, जबकि वर्गमूल निकालने की मैंने 2 विधि बताई है, और 2 ही विधि होती है, अभाज्य गुणनखंड भी और भाग भी। तो इसमें तो केवल एक ही है, केवल अभाज्य गुणनखंड करने आपको आने चाहिए। तो पहला सवाल हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, 64 का घनमूल, तो 64 का क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा 32 बार, 2 से कटेगा 16 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 1 बार। क्या करें हमने इसके, अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, इसे इसके अंदर लिखेंगे जिसके हुए हैं ये, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपको वर्गमूल आते हैं अभाज्य गुणनखंड से करने तो आप इसे बहुत आसानी से कर देंगे। देखो उसमें 2 2 के बनाते हैं, इसमें बनाएंगे 3 3 के, त्रिक, वहाँ कहते हैं जोड़े, यहाँ कहते हैं त्रिक। तो एक त्रिक ये बना, एक त्रिक ये बना, और ये एक जैसी संख्याओं का ही बनता है, जैसे 2 2 2 है तो 2 का ही बनेगा। तो इन त्रिकों की जगह एक संख्या निकल कर आ जाएगी बाहर, यानी कि 1 2, ऐसे इन 2 इन 3 2 की जगह 1 2 और आ जाएगा बाहर। ठीक
ठीक है, वहां पे तो जोड़े का आता था निकल के, यहाँ पे तिरिक का आएगा, तो दो दुनी हो जाएंगे हमारे चार, तो हमारा उत्तर आ गया चार। घनमूल और वर्गमूल में थोड़ा सा बस यही अंतर है, वहां पे दो दो के बनाते थे, यहाँ पे तीन तीन के बनाने हैं, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। दूसरा सवाल करते हैं, पहला सवाल था ये, अब करते हैं दूसरा सवाल। अब निकालना है घनमूल हमें किसका, 1000 का, ठीक है। 1000 का घनमूल निकालने के पहले 1000 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से कटेगी संख्या, 500 बार काटना आपको आना चाहिए, 2 दुनी 4, 2 पंजे 10 0, 2 से 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 पंजे 10, 5 दुनी 10, 5 पंजे 25, 5 पूरे 25 और 5 एकम 5। तो इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए थे वो हमने इसके अंदर लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें किस किस का त्रिक बन रहा है, देखिए 2 का त्रिक बन रहा है और 1 5 का त्रिक बन रहा है, तो 1 तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 5, आंसर आ जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है। यानी कि 1000 का घनमूल कितना होता है, 10, और 10 का घन करेंगे तो 1000। जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे ही घन और घनमूल भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब जो दो सवाल हैं उन्हें हम आगे करते हैं, कौन कौन से, 729 और 9261। तो पहले हम निकालेंगे 729 का, जो है हमारा सी वाला, घनमूल निकालना है हमें 729, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 729 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये देखिए 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसकी जो इकाई की संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, 3 से कटेगी, 3 दुनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, 3 दुनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो जो भी आए वो हम लिख देंगे इसके अंदर, 3 3 6 बार 3 आ रहा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 त्रिक ये बन गया, 1 त्रिक ये बन गया, 2 त्रिक बन गए, इन दोनों त्रिक की जगह 1 3 बाहर आ जाएगा और इसकी जगह दूसरा 3, और 3 3 हो गए हमारे 9। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। निकालना है हमें 9261 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9261 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये हमारी 3 से कटेगी, 3 3 9, और उसके बाद 3 8 24, सीधे नहीं देना, पहले ना जाने की जीरो लगाएंगे, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से कटेगी, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 9 27, 3 से कटेगी, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। जो भी आए हैं उसे हम यहाँ लिख देंगे, ऊपर भी लिख सकते हैं, मैं नीचे लिख देता हूँ, 3 आया है 3 बार और 7 भी आया है 3 बार, ठीक है। तो 1 तो 3 का त्रिक बन रहा है इसमें, और 1 बन रहा है 7 का, 2 इसमें त्रिक बन रहे हैं, तो इस 3 की जगह तो 1 3 आ जाएगा बाहर, और इस 7 की जगह 1 7, और 3 7 हो गए हमारे 21। तो यानी कि 9261 का घनमूल आ जाएगा 21, और 21 का घन करेंगे तो 9261, वो हमने पीछे एक सवाल में निकाल के आपको दिखाया भी है, देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ये देखिए 21 का घन किया था कितना आया था 9261, और 9261 का घनमूल निकाला तो कितना आया 21। तो आपको पता चल गया घन और घनमूल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो आज की वीडियो में हमने केवल आपको घन और घनमूल के छोटे सवाल बताए हैं, आगे की वीडियो में हम कुछ घनमूल के बड़े सवाल और दशमलव वाले घनमूल और थोड़े घनमूल के इबारती प्रश्नों को निकालना सीखेंगे। तो इस चैप्टर की एक वीडियो ये है और एक वीडियो और आएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, धन्यवाद।